हेलो गाइज, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरआरबी एक्सप्रेस की सीरीज में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 बायोलॉजी क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रिपीटेड बेसिस पर आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। अभी तक दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज थर्ड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। दोनों पार्ट जो शुरुआत के हैं उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे के पार्ट्स भी आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं दो पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड स्टेम, कोकोनट, स्वीट पोटैटो, कैरेट या पोटैटो। एक रिक्वेस्ट और आपसे कि आप अपना जो आंसर है मार्क करके रखिए और बताइएगा कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाए और बाकी सब भी उससे एक कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है। तो स्टेम मतलब तना होता है, कौन जो है तना कन्वर्ट होके मॉडिफाई होके इनमें से किसी में बदल जाता है। तो सही आंसर है पटेटो। पटेटो जो है वो तना होता है और पटेटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैरेट और स्वीट पटेटो की बात की जाए तो ये रूट से कन्वर्ट होती है, मतलब जड़ से ये बनती है, और कोकोनट का तो अपना ट्री होता है, आप जानते ही हैं। 62nd क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। कौन सा प्लांट का वो पार्ट होता है जो ओपियम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, कैप्सूल्स, फ्लावर्स, लीव्स या फिर रूट्स। ओपियम की बात की जाए तो ओपियम मतलब जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, गांजा और इस तरीके की जो चीज़ें, वो ओपियम है। तो वो किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो सही आंसर इसका कैप्सूल। नेक्स्ट, सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। बहुत आसान है कि बीज जो है वो किस पार्ट से बनते हैं, फ्लावर, लीव या फिर रूट या फिर स्टेम। तो सही आंसर है, आप बता सकते हैं वैसे भी, फ्लावर से। फ्लावर से जो है वो सीड्स बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये बार बार पूछे गए कि फ्रूट कहाँ से, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जहाँ से फ्रूट्स बनते हैं, सेपल, एंथर, ओवेरी या फिर स्टिग्मा। तो सही आंसर है इसका ओवेरी। ओवेरी में जो है वो डेवलप होते हैं। सेपल की बात की जाए तो सेपल जो है वो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ जो होती हैं। एंथर की बात की जाए तो एंथर जो है वो मेल जो जाएगा ओवेरी में, जो फ्लावर का निर्माण करेगा वो एंथर है, और स्टिग्मा जो है वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो जाकर ओवेरी में जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत आसान क्वेश्चन है पर हजारों बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस में जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं जरूरी कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑक्सीजन होगा। द ब्रीदिंग ऑर्गन इन द प्लांट इज लंग्स, स्टोमेटा, गिल्स या फिर सीड्स। तो कौन सा पार्ट है जो कि ब्रीदिंग ऑर्गन है प्लांट का। तो सही आंसर इसका स्टोमेटा। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, रट लीजिए, स्टोमेटा जो है वो लीव्स में, पत्तियों में होता है, और वो दरवाजों की तरफ तरह होता है, रेस्पिरेशन के लिए वो खुलते हैं बंद होते हैं, इस तरीके से स्टोमेटा जो है काम करता है, और ब्रीदिंग का जो है वो काम करना उसका है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसी ही फिजिक्स और हिस्ट्री की सीरीज की जरूरत है तो भी बता दीजिए, हम उस तरीके की बना दें क्योंकि लास्ट टाइम में आपको इसका फायदा हो सके। इसके अलावा बायोलॉजी के 100 वन लाइनर्स भी हमने बनाए हैं, अगर उनकी भी जरूरत आपको लगती है, थोड़ा सा लेवल इनसे ज्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम वो भी आपके साथ शेयर कर लें, और आपका सजेशन और सपोर्ट की जरूरत तो हमें है ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, किन की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ द एबव। बहुत आसान है, फोटोसिंथेसिस वाले प्रिंसिपल से जाए तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो अपनी नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है या नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है वो सॉइल से लेकर कर लेती है। पटेटो, सॉर्गम, सनफ्लावर या फिर पी। देखिए 2015 में पूछा गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है पी। पी क्या करता है, मटर जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेकर अपनी जो जरूरत है उसको पूरा कर लेती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर्स, कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो रेस्पायर करता है, रूट, लीफ, सीड या ऑल ऑफ दीज। तो सही मायने में इसका आंसर लीफ है क्योंकि लीफ के थ्रू ही जो है रेस्पायरेशन होता है, पर रूट और सीड से जाता है लीव्स में फिर होता है, तो इस तरीके से सही आंसर बन जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि अपडेट्स मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो फूड बनाता है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है।
तो पूछा गया है कि कौन सा जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फूड में इन्वॉल्व रहता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर या फिर सीड। तो सही आंसर आप अपना मार्क करिएगा, आंसर है बी, लीव्स। फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स जो है वो खाना तैयार करती हैं। व्हाट इज फाउंड इनसाइड ए सीड, सीड के अंदर क्या मिलता है? स्टोर्ड फूड, स्मॉलर सीड्स, ए फ्लावर एंड लिटिल लीव्स या फिर पोलन। तो सही आंसर इसका स्टोर्ड फूड। क्यों? क्योंकि बीज का क्या है, एक नए पौधे को जन्म देना है और बीज में ही स्टोर होता है फूड जिससे कि वो डेवलप हो सके नया पौधा। विच एनिमल हैज द हैवीएस्ट हार्ट, कौन सा एनिमल जो होता है उसका हैवी होता है हार्ट, शीप, काउ, हॉर्स या फिर डॉग। तो सही आंसर इसका हॉर्स, याद रखिएगा, पूछा जाता है। किडनी इज ए पार्ट ऑफ, ये तो आप समझ सकते हैं, 2015 में पूछा भी गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम। किडनी किसका पार्ट है? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। और किडनी का जो काम होता है आप जानते हैं, वो यूरिन फिल्ट्रेशन के काम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, वैक्स, सेलुलोज, वीट फ्लावर या फिर स्टार्च। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है, सेलुलोज, वीट फ्लावर और स्टार्च में होता है पर वैक्स में नहीं होता है। द बॉडी ऑर्गन विच इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर, कौन सी बॉडी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती पेयर में? ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, किडनी, टेस्टीज, ओवरी या फिर हार्ट। तो आप जानते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं, हार्ट जो है वो पेयर में नहीं होता। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पेयर में होता है, तो याद रखिएगा ये तीनों ही चीज़ें जो है वो पेयर में होती हैं। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज, 140-80, 110-70, 120-80, 110-75। सही आंसर 120 और 80, नॉर्मल जो बीपी है वो ये रहना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स विच वन इज द लीस्ट ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशन, ब्रेन, हार्ट, आइज या फिर लंग्स। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो रेडिएशन से कम हार्मफुल है? देखिए रेडिएशंस क्या है, वहां पर अफेक्ट करती हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है। जिस भी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होगी वहां पर सबसे ज्यादा रेडिएशंस जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो ब्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ब्रेन जो है वो लीस्ट ससेप्टेबल है टू हार्मफुल रेडिएशंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक भी छोड़ रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं, समझिएगा। आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी, आपको इस एग्जाम में मिले या ना मिले, पर हमेशा मिलेंगे, ये क्वेश्चन कॉमन है ये। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या कंटेन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, बाइकार्बोनेट, सुक्रोज या लिपिड्स या फिर सुक्रोज। तो सही इसका आंसर आप बता सकते हैं, आसान है, हाइड्रोक्लोरिक एंड पेप्सिन जो है वो रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स, स्पेनिच, कैरेट या लिगम्स। तो देखिए कैरेट और स्पिनच दोनों ही आंसर हैं, दोनों में ही विटामिन होता है, पर पूछा है रिचेस्ट, तो रिचेस्ट है कैरेट, इसमें करीब 44% के लगभग होता है, स्पिनच में करीब 17% के आसपास कुछ होता है, तो रिचेस्ट जो है वो कैरेट है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू बॉटल्स ऑफ पिकल्स, वन ओल्ड एंड वन फ्रेशली मेड, द ओल्ड वन कैन बी डिटेक्टेड बाई इट्स स्मेल एंड टेस्ट कॉज्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन द पिकल मेकिंग इट, इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ ऑयल या फिर फर्मेंटेशन बाई ई यीस्ट। 2015 में पूछा गया है, जब आप एक नया अचार लेते हैं और पुराना अचार कर लेते हैं तो सूंघने के बाद आप बता सकते हैं टेस्ट करने के बाद कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है। ज्यादातर लोग इसका आंसर लगाते हैं फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट, पर गलत है, आंसर सही है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन द पिकल मेकिंग इट रेंसिड, उसको गंधयुक्त, दुर्गंधयुक्त बना देते हैं ऑक्सीडेशन के बाद, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाता है ऐसे ही ऑक्सीडेशन के बाद इसमें रेंसिड हो जाता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स या नन ऑफ दीज। आप जानते हैं अगर नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स हैं उनका नर्वस सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये, जिससे कि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, न्यूरोगलिया या फिर एक्सॉन। तो न्यूरॉन जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते होंगे तो न्यूरॉन वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम की, वही पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, कौन सा जो है पार्ट वो बैलेंस डाइट का कॉम्पोनेंट है? कार्बोहाइड्रेट जरूरत होती है, मिनरल जरूरत होती है, वाटर जरूरत होती है, सारे ही जरूरी हैं बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार जैसे बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन फाइबर, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, कॉटन। देखिए 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन, सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। तो प्रोटीन फाइबर इनमें से कौन सा है, मतलब कि जिसमें प्रोटीन मिलता हो, अब नायलॉन की बात की जाए और पॉलिएस्टर की बात की जाए तो ये दोनों ही जो है वो सिंथेटिक हैं, और सिल्क जो है वो लार्वा से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कॉटन की बात की जाए तो ये तो प्लांट से मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा सिल्क, जहां पर प्रोटीन
मिलता है उसी का प्रोटीन फाइबर है ये। अनसेचुरेटेड फैट्स कैन बी मेड सेचुरेटेड बाय द एडिशन ऑफ, कौन से फैट्स जो अनसेचुरेटेड है उनको सेचुरेटेड कब बनाया जा सकता है, मतलब फिक्स्ड हो जाए, तो जब उनको हाइड्रोजन मिल जाती है तो वो सेचुरेट हो जाते हैं। सही आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन विच कैटालाइज और हेल्प्स इन बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन या फिर एंजाइम्स। तो वो प्रोटीन जो कि कैटालाइज करते हैं, सही आंसर है एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है वो बॉडी के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको बढ़ा देता है या धीमा कर देता है, तो वही कैटालिस्ट का काम है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लैक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो सही आंसर आपको क्लियर ही दिखाई दे रहा है, हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है तो वो इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स विच शुड बी सप्लाइड, इमीडिएट एनर्जी देने के लिए सेल्स में क्या जरूरत होती है, फैटी एसिड्स, अमोनिया एसिड, विटामिन सी या फिर ग्लूकोज। आप जानते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो सबसे पहले आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, और वो इसीलिए चढ़ाते हैं जिससे कि आपको इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन दिया जा सके। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, बाकी सबको डाइजेशन की जरूरत है ना, एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, ग्लूकोज सीधा जाते ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सेरेब्रम या फिर सेरेब्रम। तो सही आंसर है सेरेब्रम। मेमोरी जो है वो सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और ये जो है वो सेंटर होता है सारी नर्व्स का, सेरेब्रम के बारे में अगर आप जानकारी रखें तो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स या फिर स्टार्च। 2015 में पूछा भी गया है कि सलाइवा किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है, तो स्टार्च इसका सही आंसर है। स्टार्च को सलाइवा जो है वो डाइजेस्ट करने में फ़ायदा देता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रट लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर और भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मैटर मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगे, बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के 120 बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 महीने के, जिनके चांसेस हैं 50-70% आपके एग्जाम में फंसने के, ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सबकी तरफ से, पढ़ लीजिए, 6 महीने का आपको एक ही बार में तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, टिल देन टेक केयर, बाय।